हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला भिंडी, जिसके मैंने भिंडी को उसे धोकर साफ़ कर लिया और उसे कट कर लिया है और उसके बीच में से चीरा लगा दिया मैंने। अगर छोटी भिंडी है तो उसे कट ना करें, अगर बड़ी भिंडी है तो उसके दो टुकड़े कर लें। तो चलिए हम अब भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम कढ़ाई को गर्म होने को रख देंगे। कढ़ाई गर्म होने को रख दी थी, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 स्पून ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है, आप जिस ऑयल का यूज़ करती हैं वो डालें। ऑयल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुकी है तो इसमें हम डालेंगे भिंडी जो कट कर रखी है। अब इसमें हम हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे ताकि हमारी भिंडी में भी नमक सा लगे, और इसे मिक्स कर कर थोड़ी देर से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है, आप देख रहे होंगे इसमें हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसी हम कढ़ाई पे और ऑयल डालेंगे 2 स्पून, इसे गर्म होने देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म चुका हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जीरा और तेज पत्ता, इसे चटकने देंगे आराम से। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियाँ, इसे भुनने देंगे। लहसुन की 3 से 4 कलियाँ मैंने डाली हैं, और ये 2 बड़े प्याज है और ये 2 हरी मिर्च, इसे मैंने कट कर लिया, चॉप कर लिया, इसे हम डाल देंगे और इसे ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे इसी टाइम पे प्याज के साथ, ताकि इसका इसे ये अच्छे से भुन जाए। ये हमारा हल्दी 1/2 टेबल स्पून, ये देगी लाल मिर्च कलर के लिए 1/2 स्पून, और ये जीरा और धनिया, इन सबों को हम डाल देंगे। और साथ ही हम डाल देंगे नमक, हमें जितना नमक चाहिए स्वाद अनुसार, तो हम अभी ही डाल देंगे, बाद में नहीं डालेंगे। और इसे मिक्स कर कर पका लेंगे अच्छे से 2 मिनट। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा टमाटर, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे थे, इसे भी डालकर भून लेंगे। इसे ढककर हम 5 मिनट पका लेंगे ताकि हमारा टमाटर प्याज अच्छे से भून जाए, मेल्ट हो जाए। तो देखिए मैंने इसमें भिंडी भी डाल दी है, और इसे भिंडी में को मिक्स करके 5 मिनट तक हम इसे ढककर पका लेंगे ताकि हमारी भिंडी जो है अंदर से पक जाए। मैंने एक आलू भी डाल दिया क्योंकि छोटे बच्चे के लिए मैंने डाली है, अगर आपके घर में तो आप डाल सकती हैं। ऐसे कवर कर कर हम पका लेंगे 5 मिनट। देखिए कितनी काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी सब्ज़ी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दें, मुझे बहुत हल्का सा ग्रेवी चाहिए तो मैंने आधा गिलास ही पानी डाला है। और इसे हम कवर कर कर 5 मिनट तक पकने देंगे। हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेंगे। और गर्मा गर्मा आप इसे रोटी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म भिंडी मसाला सब्ज़ी तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। सो थैंक यू, आप मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।